राजधानी रायपुर में कांग्रेस चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ज्ञापन सौंपा है। राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री से मेडिकल की पढ़ाई फिर शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते मेडिकल और सभी संबंधित चिकित्सा विषयों की कक्षाएं गाइडलाइन के चलते स्थगित कर दी गई थी। वहीं अब अनलॉक का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद से ही कई राज्यों में पढ़ाई और प्रयोगात्मक कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि चिकित्सा सत्र पिछड़ने से रोकने के लिए मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइन के अनुसार कक्षाएं शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया जाए। पूरे देश में कोरोना संक्रमण काल के कारण सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल और आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज की कक्षाएं पिछले 7-8 महीने से बंद हैं, लेकिन अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन और अन्य राज्यों में भी इन्हीं सभी कॉलेज के खुलने का उपक्रम जारी हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने अपील की है कि सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल, आयुर्वेदिक और नर्सिंग कॉलेज को खुलने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि इन सत्रों मेडिकल कॉलेज के सत्रों को पिछड़ने से बचाया जा सके। जैसे ही थ्योरी क्लासेस शुरू होंगी, उनके प्रैक्टिकल क्लासेस भी शुरू करना जरूरी है, ताकि सभी बच्चे समय से देरी के कारण ही सही अपनी परीक्षाओं में शामिल हो सके। TCP 24 न्यूज़ के लिए स्नेहिल सराफ की रिपोर्ट।